दोस्तों जब भी कुंडली भाग्य सीरियल के बारे में बात की जाती है तो उनमें अभिनेत्री रूही चतुर्वेदी का नाम तो आना बनता है, जो कि सीरियल में शालीन का नेगेटिव किरदार निभाते हुए नजर आ रही हैं, जिनके नेगेटिव किरदार को लोग खूब पसंद कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि सीरियल में शालीन के किरदार में नजर आ रही अभिनेत्री रूही चतुर्वेदी सीरियल के लिए इतनी ज्यादा मेहनत कर रही है, पर इसके बावजूद भी ये पॉपुलर नहीं हो पा रही है, जिसके पीछे टीवी के 4 सितारों का नाम आता है, जिनकी वजह से ये लोकप्रियता नहीं बटोर पा रही है। तो आखिरकार कौन से हैं वो 4 सितारे, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। फिर आइए एक एक करके जानते हैं उन सितारों के बारे में। नंबर 1 संजय गगनानी। जी हाँ, कुंडली भाग्य सीरियल में रूही के अपोजिट नजर आ रहे अभिनेता संजय गगनानी का नाम सबसे पहले शुमार होता है, जिनकी वजह से ये आज पॉपुलर नहीं हो पा रही हैं। जी हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं संजय गगनानी इस शो में पृथ्वी का किरदार निभाते हुए काफी नकारात्मक रोल में है, जिसके चलते लोगों के सामने इनकी भी छवि नेगेटिव होती जा रही है, इसलिए लोकप्रिय नहीं हो रही है। नंबर 2 अंजुम फकीर। अभिनेत्री अंजुम फकीर वही है जो कि कुंडली भाग्य सीरियल में प्रीता अरोड़ा की बहन सृष्टि अरोड़ा का किरदार निभा रही है, जहाँ हमेशा ही रूही चतुर्वेदी की बहस अंजुम से होती रहती है, दोनों एक दूसरे से लड़ते झगड़ते हुए नजर आती हैं, पर इसके बावजूद दर्शक अंजुम फकीर के चुलबुले अंदाज को पसंद करते हैं और शालीन के नकारात्मक किरदार को नापसंद करते हैं। उनका मानना है कि अंजुम फकीर ज्यादा अच्छा शालीन से किरदार निभाती है और उनकी वजह से ये आज भी अनसक्सेसफुल है। नंबर 3 श्रद्धा आर्य। इस लिस्ट में एक नाम अभिनेत्री श्रद्धा आर्य का शामिल होता है, जो कि कुंडली भाग्य सीरियल में प्रीता का मुख्य किरदार निभा रही हैं और मुख्य किरदार होने की वजह से लोग इन पर ध्यान देते हैं और शालीन के अभिनय को अनदेखा कर देते हैं, जिसके चलते ये सपोर्टिंग एक्ट्रेस के तौर पर ही सिमट कर रह जाती है, जिसके चलते श्रद्धा ही सारी वाहवाही लूट के ले जाती है। नंबर 4 धीरज धूपर। जी हाँ, इस लिस्ट में करण लूथरा का किरदार निभाने वाले अभिनेता धीरज भी इस लिस्ट में शामिल होते हैं, जिनकी वजह से रूही चतुर्वेदी बिल्कुल भी पॉपुलर नहीं हो रही हैं, क्योंकि अभिनेता धीरज लीड एक्टर हैं, जिसके चलते ये सोचती हैं कि उनके साथ कई सीन करने का मौका मिले ताकि ये भी पॉपुलर हो जाए, मगर वो इन्हें अपने साथ ही मौका नहीं देते काम करने का, इसलिए तो आज धीरज धूपर की वजह से ये फेमस नहीं हो रही है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि दर्शकों को अभिनेत्री रूही चतुर्वेदी के अभिनय को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, वरना तो आज भी ये इन सितारों की तरह फेमस होती। आपकी इस बारे में क्या राय है आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही टीवी जगत से जुड़ी ऐसी मसालेदार खबरों को देखने और जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।